बोर्ड पे देखिए, अगला एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट के सारे पार्ट खत्म हो गया, एक्सपेंस और इनकम पे भी देख लिया हमने। अगला एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब देखना ध्यान से, मान लो आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस में मैंने आपका लिखा है मशीनरी, ₹1,00,000, डेबिट क्रेडिट, और यह है ट्रायल बैलेंस। नीचे एडजस्टमेंट में मैंने बोला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मैंने लिखा यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। यहां पे तो सिंपल है कि ₹1,00,000 पे आप क्या करो, 10% डेप्रिसिएशन निकाल लो और इसको एक तो आप दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस में और एक ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करोगे। बैलेंस शीट में आप लिखोगे मशीनरी और इसमें से -10% कर दोगे। लेकिन एक एडजस्टमेंट और डाल दिया मैंने, ₹60,000 मशीनरी परचेज ऑन 1/10/2018, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब अब ₹1,00,000 का जो मशीनरी है, ये सारा का सारा मशीनरी साल के स्टार्टिंग में नहीं खरीदा गया, यस पुराना मशीनरी नहीं है। अब इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। 60,000 वाले पार्ट पे तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, 6 महीने का, बाकी बच गया 40,000। 40,000 पे पूरे, अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, 1,00,000 पे दो पार्टीशन, एक 60,000 वाले के लिए और बच गया। हालांकि आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, जो कि आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय और 6/12। इस वाले पे पूरे साल का ही, तो डेप्रिसिएशन जो आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन 7,000, और यहां से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 7,000। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? यानी जब कभी भी एसेट्स हम ड्यूरिंग द ईयर खरीद लेते हैं तो हम जो मशीनरी खरीदा गया है उस पे हमने डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगाता। लेकिन समस्या पता है कब आ जाता, मैं ये डेट नहीं लिखता, तो बस मैंने लिखा ₹6,000 का मशीनरी परचेज किया है, डेट मैंने लिखा ही नहीं। अब आपको मानना पड़ेगा साल के स्टार्टिंग में मान लो या साल के एंड में। अगर साल के स्टार्टिंग में मानते हो खरीदा है तो लगेगा पूरे 1,00,000 पे 10%। अगर साल के एंड में मानते हो तो 60,000 पे नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूं कि ये 60,000 का मशीनरी साल के एंड में खरीदा है, तो क्या 60,000 के एंड में खरीदा है तो इस पे डेप लगेगा ही नहीं, क्योंकि यूज ही नहीं किया। किस पे लगेगा, सिर्फ, और वो भी पूरे साल का, तो सिर्फ 4,000 डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो मैंने एक तो डेट दे दिया तो अकॉर्डिंग टू डेट कैलकुलेट कर लोगे, एक मैंने आपको डेट नहीं दिया तो अजम्पशन लोगे, साल के स्टार्टिंग में जो मानता है उसका भी ठीक है, साल के एंड में जो मानता है उसका भी ठीक है, दोनों का आंसर ठीक है। लेकिन आप क्या करना, साल के एंड में मान लेना ताकि डेप्रिसिएशन लगाने का झंझट ही खत्म हो जाए उस पे। अब एक और देखते हैं पॉइंट, मैं इसी के अंदर पॉइंट ऐड कर देता हूं फटाफट से, ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, क्या करना है नहीं करना ये अच्छे से क्लियर है। अब सपोज करो मैं नीचे लिख दूं 6% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब है कि भाई साल के कभी भी मशीनरी खरीदा हो, कोई भी बेचा हो, इससे मतलब नहीं है, साल के जो लास्ट में बैलेंस है ना उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर ऐसा लिखा है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, सीधा 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, भले ही मैंने कब खरीदा है इसको, 1/10 को। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने तीन कॉन्सेप्ट में इसको डिवाइड कर दिया है,
एक तो चलो डेट दे दिया और पर एनम दे दिया तो सिंपल डेट के हिसाब से, लेकिन अगर रेट आपको दे रखा है और रेट देने के बाद क्वेश्चन में बोल दे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस, तो जो मशीनरी आपने साल के बीच में खरीदा है उसका बीच का कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में आपके पास कितना मशीनरी है 1 लाख, 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगा दो। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, उस पे बीच का क्यों नहीं लगाया, एग्जामिनर बोल रहा है भाई लास्ट में लगाओ तो लगा दो ना लास्ट में, उसमें क्या चक्कर में पड़ रहे हो बीच में खरीदा नहीं खरीदा। एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है भाई डेप्रिसिएशन में मत उलझो, आप लास्ट वाले बैलेंस पे क्या करो लगा दो। तो अगर ये वाली लाइन होता तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होता, 10,000, और यहां से भी क्या होता हमारा 10,000 माइनस हो जाता। तो मैं ये मिटा दूं, पहले इसे मिटा देता हूं, अब नोट कर लो, फिर एक बार लिख के फिर नोट करना, इसे फटाफट नोट करो इसे।